bulsam. Muradıma ersem uzatmadan. Seninle bir hayal kursak. Bir kez olsun biz kazansak. Ben telli duvaklı bir gelin. Sen de şahane bir damat. Bıktım usandım yalnızlıktan. Yalan masallarla avunmaktan. Şahanesinden bir damat bulsam. Muradıma ersem uzatmadan. İmkansızı biz başarsak. Aşkımızla destan yazsak. Ben telli duvaklı bir gelin. Sen de şahane bir damat. सुबह बखैर दोस्त. सुबह बखैर तहसीन. नर्वस हो? हाँ हाँ, सिर्फ चंद ही घंटों में सब आजाद हो जाएंगे. फिर से कहूंगा तुम अहमक हो अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो. चलो चाय ठंडी हो रही है. अभी तो मैं जवान हूँ, अभी तो मैं जवान हूँ. बाबा मुझे चक्कर आ रहे हैं. आपको खुदा का वास्ता है बाबा, बैठ जाएं, क्यों चक्कर लगा रहे हैं? तुम्हें पता है आज रात मैं अपनी दीवा के साथ नाचूंगा. बाबा उसकी व्हीलचेयर के साथ घूमते रहना. तूफान इधर आओ, मेरी बात सुनो. गायब ना होना, तुम्हारी जरूरत पड़ सकती है. मुझे अभी बहुत काम है अम्मी, आप किसी और को ढूंढें. इसको देखो. जब देखो अवारा अवारा गड्डी से बाज नहीं आता है. सुबह बखैर लड़की, चलो हम जा रहे हैं. गुड मॉर्निंग अम्मी. कहाँ जा रहे हैं हम? मुझे उठने तो दें पहले. जाओ जाओ जाओ, चुप करो और जाओ. अम्मी इसका क्या करूंगी मैं? लड़की ये तुम्हें रात को पहनना है. आओ. हाँ आती हूँ. अस्सलाम वालेकुम. अरे गुड मॉर्निंग मोहम्मद. चाय बना दूँ क्या तुम्हारे लिए? अरे मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस कॉफी दे दीजिए. गुड मॉर्निंग. जगह दो, कौन आया होगा? आ गई मैं. हाँ आ जाओ अंदर. खुश आ गई. अरे दीवा यहाँ आओ बेटा. ये देखो मैं क्या लाई हूँ. हाँ? माशाल्लाह मेरा दामाद कितना प्यारा लग रहा है. काजबे साहिबा ये क्या है? ये मेरा सब कुछ है दीवा मैडम. इसे तुमने सिलेक्ट किया है, बताओ. और ये मलिका, ये तुम्हारे लिए. अरे ड्रावना ख्वाब है शायद. ये मैंने जन्नत के साथ पसंद किया है. बिल्कुल सही इंसान के लिए पसंद किया है आपने. तुमने मुझ पे तंज किया है क्या? हरगिज नहीं, तंज क्यों होगा? मैंने तो बस एक बात कही है. मैं ये बिल्कुल भी नहीं पहनने वाला हूँ. नहीं पहनना तो ना पहनो, ये भी ले लो. तुम पहनो ये. तुम पहनो. तुम पहनोगे. प्यारी आंटी मुझे माफ कर दीजिएगा, लेकिन
मैं ये लिबास नहीं पहन सकता, किसी कीमत पर नहीं पहनूंगा, नामुमकिन है ये। अल्लाह ना करे कि कभी हो ऐसा। और एक बात, मेरे पास ऑलरेडी मंगनी पर पहनने के लिए एक सूट मौजूद है। मुझे पहले से पता था। ये सब हो क्या रहा है यार, तुम्हें नजर नहीं आ रहा क्या हो रहा है मेरे साथ? उफ खुदाया। हाँ अच्छा, यही है ना वो पर्दे वाला कपड़ा? हाय ना, ये कितना चमकदार है। अच्छा क्या करे डार्लिंग, क्या हुआ? तुम्हें मेजर के घर दिखाते हैं। क्या? सिर्फ तुम्हारे और मेरे लिए नहीं, तुम्हारे साथ मैं और मलिका भी तो रहेंगे उसी घर में। लेकिन क्यों? क्योंकि मंगनी के बाद रहने के लिए हमें घर लाजमी चाहिए। ओके? और मंगनी के बाद मोहम्मद को मलिका से अलग होना ही होगा, समझ रहे हो ना बेवकूफ? इसको कहते हैं हिट एंड रन। हाँ, और तुम क्या कह रहे थे? हाँ ये तो आपकी नवाजिश है। हाँ? रुको जरा, तुम तो फिर ज्यादा सख्ती से मारेंगे हम। ओह मेरी प्यारी वसीली महबूबा, आह मेरी जिंदगी का मकसद। एक दिन आएगा जो एक चीज आपको याद रहेगी, वो उनके बिना गुजारा हुआ वक्त होगा। ये औरत एक दिन मुझे मार देगी, मैं फंस गया हूं। अगर सना को पता चल गया कि मैं उसे धोखा दे रहा हूं। पहले आप उनको तलाक देकर आए यहां, मोहब्बत बार बार नहीं मिलती। सना, सख्ती से तुम्हारा मतलब ये था? बहुत सख्त। हम दोनों अब पक्का निशाना लगाएंगे, देखना। ओह माय गॉड, कसम से मलिका तो इस ड्रेस में बहुत प्यारी लगेगी, है ना? देखो अगर तुम इसे देखकर ये सोच रही हो तो गलत है। क्यों? मेरे ख्याल से तो ये बहुत खूबसूरत है। नहीं नहीं यार, ये बहुत चमकीला, बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। नहीं नहीं मुझे तो बहुत पसंद आया है ये। नहीं बहुत बुरा है। इस वक्त तुम्हारी पसंद कोई अहमियत नहीं रखती मेरी नजर में, सुना तहसीन? नहीं मेरी जान, लेकिन मोहम्मद की पसंद अहम है। खुश आमदीद सर। बहुत शुक्रिया। दामाद, ओए या अल्लाह, दामाद जिनकी मंगनी है उन्हें कोई परवाह ही नहीं है। कासे बे बहन, आफरीन है, ये दोनों कुर्सियां आपस में जुड़ी हुई कितनी अच्छी लगेंगी। टेबल पे कपड़ा मारती हूँ। मैं पागल हो गई हूँ। अम्मी अम्मी क्या हुआ है? क्या हुआ, सब ठीक तो है? क्या हो रहा है? क्या तुम लोग नहीं जानते कि आज रात को मंगनी है?
जी हमें पता है, पता है। अगर तुम दोनों को याद हो, आज रात जो मंगनी हो रही है वो तुम दोनों की है। हमें पता है अम्मी, पता है हमें। अगर सब कुछ पता है तो तैयारी क्यों नहीं कर रहे? चलो आ जाओ, जल्दी से सब कुछ बाहर लेके चलें, जल्दी। अच्छा अम्मी, हम ले जाते हैं। किबर, जल्दी जाओ ओवन से मीठा निकालो, मैं शरबत बना लेती हूँ जल्दी से। मुझे हुक्म दो काजिब बहन, वो औरत पागल हो गई है, समझ से बाहर है मेरी तो। लाओ मुझे दे दो। मोहम्मद तुम रहने दो, मैं उठा लूंगी। तुम पहले से ही बेवकूफ हो, इसे उठाओगी तो यकीनन कोई ना कोई नुकसान कर लोगी। मोहम्मद मैं हूँ ही बेढंगी, टूटती है तो टूट जाए, तुम्हें क्या, अपना काम करो। तुम हर वक्त एक ही बात करती रहती हो। तुम अपने काम से काम क्यों नहीं रखते? पता नहीं क्यों तुम ये फजूल बातें सोचते रहते हो। मलिका, तुम्हें मजीद खुद पर गुस्सा करने की कोई जरूरत नहीं। देखो तुम्हें पता है कि तुमने वादा किया है तुम्हारा अंजाम हयाती अंकल जैसा नहीं होगा, वगैरह वगैरह। मुझे पता है मोहम्मद, और मैं तुम्हें समझ रही हूँ। देखो मंगनी के फौरन बाद तुम चली जाओगी। हम ये सारी बात कर चुके हैं, मेरी अम्मी मंगनी के बाद चली जाएंगी, मैं भी चली जाऊंगी, बात खत्म। बस तो मसला क्या है? तो क्या फिर से मुलाकात नहीं होगी? तो हम क्यों नहीं मिलेंगे? बिल्कुल मिलेंगे, बल्कि हम बहुत अच्छे दोस्त बनकर रहेंगे, क्या कहते हो तुम? बल्कि तुम ऐसा करना, एक नूर की बातें बताना आके मुझे, और मैं अपने महबूब की मसाइल डिस्कस करूंगी तुमसे। बस बहुत हुआ। क्या हुआ? बस बार बार एल्कनूर और एंगिन, सभी तुम्हें बहुत अच्छे लगते हैं, फिर दोबारा इनका नाम कभी मत लेना प्लीज। मेरे ख्याल से ये खेल अब बहुत हो चुका, मगर बदकिस्मती से हमें एक दूसरे को बर्दाश्त करना होगा। मैं चलती हूँ अब, बहुत काम है आज, कुर्सियां भी उठानी है। मोहम्मद जाने दो। समझ नहीं आ रहा मुझे, मलिका से बात करूं तो मोहम्मद गुस्सा होता है, और तहसीन उसकी बहन के लिए पागल हो रहा है। पागल हो गया था वो तो, क्या बोलूं यार, क्या चल रहा है उनके दरमियान, कुछ समझ नहीं आ रहा, ये क्या चल रहा है आखिर। मेरा दिमाग तो खराब हो गया है यार। तुम्हारी ये बातें परेशान करी हैं एंगन। क्या कह दिया है मैंने? तुम्हें पसंद हो या ना पसंद हो, अगर तुम वो देखती जो मैंने देखा है तो तुम भी पागल हो जाती। क्या हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था जो हमने किया है एल्कनूर? नहीं करना चाहिए था हमें। जिस कैफियत से मैं गुजर रहा हूँ तुम वो नहीं समझ सकती। एंगिन मुझे गुस्सा आ रहा है। ठीक है मैं जा रहा हूँ। यार वैसे उस वक्त वो वहां नहीं थी। कौन? वो क्यूटी। फुसूल बातें करना बंद कर दो तुम, समझे? इस सर्जरी के बाद मोहम्मद सिर्फ मुझसे मोहब्बत करेगा, किसी और की तरफ देखेगा भी नहीं।
तुमने यहाँ क्यों बुलाया है? मैं तुम्हें एक बात की वजाहत करना चाहता हूँ। जहां मैंने अपनी जिंदगी का अहम तरीन फैसला किया था, बहुत अहम, इसीलिए तुम्हें यहाँ बुलाया है। क्या तुम मुझे बताओगे कि हम तातिलात से अचानक क्यों वापस आए? क्या तुम इसकी वजाहत दोगे कि वापस आने के बाद तुम कहाँ थे? है कोई जवाब, बोलो। इसी वजह से, तुम्हारी इन्हीं बातों की वजह से मुझे बिल्कुल भी तरस नहीं आएगा जब मैं तुम्हें तलाक दूंगा सना। मैं कह रही थी कि क्या कहा तुमने? हाँ सना, मैं तुम्हें तलाक दे रहा हूं। ये तुम क्या कह रहे हो? क्या तलाक? इसकी वजह एक औरत है ना, एक औरत है ना? मैं ये साबित करूंगी और तुम्हारी सारी दौलत छीन लूंगी। सुना तुमने? कहाँ जा रहे हो तुम? हाँ, यार तूफान, तुम कितने जिद्दी आदमी हो। यार मुझे ये तस्वीरें तो देखने दो। मैंने कहा था ना, मुझे तुम पर एतबार नहीं है। या मेरे अल्लाह, मेरी बात सुनिएगा, हम इकनूर साहिबा से मिलने आए हैं। क्यों मिलना चाहते हैं उनसे? एक बहुत जरूरी काम है। देखो मेरी बात सुनो, तुम प्यार से समझ नहीं आ रही तुम्हें? अरे नहीं नहीं तूफान यार, क्या कर रहे हो? असल में हमें एक बहुत अच्छी खबर मिली है, इसलिए ये थोड़ा पुरजोश हो गया है। असल में हम लोग इकनूर साहिबा को ढूंढ रहे हैं, काफी देर से उनका फोन नंबर भी बंद है, इसलिए यहाँ आए। वो नहीं मिल सकती, छुट्टियों पर हैं। मेहरबानी करके वापस जाएं। ना करो, चलो यार। इस आदमी को देखो जरा, इसने हमसे झूठ बोला है। परेशान ना हो तूफान, हम रात को इकनूर साहिबा के घर जाएंगे, मैं घर ढूंढ लूंगा। मैं नहीं आ सकता बार बार, रात को मेरी बहन की मंगनी है। वाह 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 तूफान, तुमने मुझे मंगनी की तकरीब में दावत तक नहीं दी। मैं नाराज हूँ तुमसे भाई। नहीं ऐसी बात नहीं है यार, मैं तुम्हें क्या है भाई, मंगनी की तकरीब सिर्फ घर वालों के लिए, इस वजह से नहीं बताया। तुम खामखा क्यों नाराज हो रहे हो? मुझे तस्वीरें दिखाओ, मैं ठीक हो जाऊंगा। मैं बेवकूफ नहीं बनूंगा जीवान। हाँ वाकई तुम बेवकूफ नहीं बन रहे, कल भी ऐसा ही हुआ। खैर जैसा कि मैंने कल कहा था, मैं अपने राज किसी पर नहीं खोलता। यह जुनूबी तरफ है और मकान देखकर आप खुश हो जाएंगे, और इस घर की खूबी यह है कि यहाँ चारों तरफ से हवा आती है। ये मकान बहुत अच्छा है। हम पहले देख लेते हैं ना। आइए। देखिए, ये क्या है? भला इस घर के पैसे कौन देगा? हाँ? हमें नहीं पसंद आया बिल्कुल। ये फ्लैट बहुत अच्छा बना है, इसे मत छोड़िएगा। यहां तुमको स्मेल नहीं आ रही क्या? यार तुम्हें क्या है? अच्छा ठीक है, स्मेल आ रही है और हम जा रहे हैं यहां से। क्या क्या हो गया यार, समझा करो ना बात को। ये देखिए, ये उससे भी अच्छा फ्लैट है, और इस फ्लैट का मालिक मकान ऊपर रहता है, और फैमिली बिल्डिंग है ये। अब इस फ्लैट को मत छोड़ दीजिएगा। यानी सुनो, अगर ये जगह भी तुम्हें पसंद नहीं आई तो मैं खुद को जाके बाहर जंजीरों से बांध लूंगी। बस अब बहुत हो गया, मैं थक गई हूँ। देखो हम इन दीवारों को रंग कर लेंगे और ये बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि तुम्हें तो कुछ पसंद आ ही नहीं रहा। ओके, अच्छी जगह है। अच्छी है, लेकिन मोहल्ला अच्छा नहीं है। देखा ट्रैफिक कितना है। बस अब मेरी बर्दाश्त से बाहर हो रहा है। ठीक है जन्नत, ठीक है। आला, लेकिन एक और बात करनी है। अगर आप दोनों शादीशुदा नहीं होते तो ये फ्लैट नहीं मिलता। देखा, नहीं नहीं ऐसा तो नहीं है, शादीशुदा नहीं है हम। तो फिर हम लोग चलते हैं, ठीक है? मगर
हमारी शादी तो होने वाली है, इसीलिए तो हम ये घर ले रहे हैं ना जानी मैं। बता क्यों नहीं रहे तुम इनको? जान? हाँ, देखिए फिर से भूल गया। हमेशा ऐसा ही होता है, जब भी एक्साइटेड होता है चीजें भूल जाता है। है ना मेरी जान, याद करो हमारी शादी होने वाली है। मुंह तो बंद करो अपना। हमारी शादी होने वाली है इसीलिए तो घर ढूंढ रहे थे, है ना? भूल गए तू? हाउ क्यूट। केबर, हाँ, 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 क्या सब तैयार है मंगनी के लिए? तैयार है, तैयार है, मैंने पहले ही बता दिया है। ये देखे ना, रिंग्स यहाँ पर हैं। होए होए, तुमने मोहम्मद को बता दिया है ना, वो पुरानी अंगूठी उतारेगा। केबर बताया है ना? मैंने कह दिया है काजिब बहन, मैं केबर हूँ। केबर, मैं सब कुछ संभाल लेती हूँ, हर चीज मेरे बस में है। हाँ, देखा? कुछ भी हो जाए मैं भी मंगनी करूँगा, फैसला हो गया है। ए, मेरी बात सुने, क्यों ना हम आज आपकी भी मंगनी करवा दें बाबा। क्या बात है, कौन आ गया? देखती हूँ जाके कौन है। मलिका के लिए क्या है ये, किसने दिया है? मैं जा रही हूँ, मैं मलिका के तासुरात देखना चाहती हूँ जब वो अपना ड्रेस सीखेगी तो। मुझे भी तजस्सुस है। ओके, फिर मिलते हैं। खुदा हाफिज। अरे कैसे है हयाती अंकल? शाम बखैर तहसीन, मेरी मोहब्बत कहाँ है? वो बाहर गई हैं, नाइट क्लब में जरा काम था, उन्हें कह के गई हैं कि आपको बता दूं मैं। वेरी फनी, दरवाजा खोलो। अच्छा अच्छा। मेरी जान, अरे तुमने मुझे डरा दिया हयात। मेरी जान, मैं तुमसे दूर रहकर बहुत थक गया हूं। तुम्हें तो थकना ही चाहिए हयात। मैं सना को तलाक दे रहा हूं। क्या? तुम्हारी कसम, क्या तुम मुझे मेरा वादा पूरा करने दोगी जो मैंने सालों पहले किया था? मैं ये खुशी बर्दाश्त नहीं कर सकूंगी डार्लिंग। जब तुम मुझसे इस तरह बात करती हो, जब मैं माजी में देखता हूँ, मुझे तुम बिन गुजरे साल ही दिखते हैं और कुछ भी नहीं। जैसा कि मुझे दुल्हन ने कहा, आप मोहब्बत को मुलतवी नहीं कर सकते। हमने कुछ ज्यादा ही मुलतवी कर दिया इसे। मंगनी भी है तो पहले वो अटेंड कर लेते हैं। खुदा की लानत हो तुम पर तहसीन, खुदा की लानत हो तुम पर। जन्नत ये देखो, ये क्या है? तहसीन ने भेजा है। एक रस्म है कि लड़की का जोड़ा उसके रिश्तेदार लेते हैं। मैं भी लड़की की तरफ से हूँ। अरे तहसीन यार, अरे हाँ, वो इसमें एक और पैकेट है। कौन सा पैकेट? इस डब्बे में दो पैकेट्स थे, एक मेरे लिए आया था, एक तुम्हारे लिए। क्या सच कह रही हो? यार मुझे यकीन नहीं हो रहा।
वाह, ये देखो। क्या तुम तैयार हो मोहम्मद? किस चीज के लिए? तो हम क्यों नहीं मिलेंगे? बिल्कुल मिलेंगे, बल्कि हम बहुत अच्छे दोस्त बनकर रहेंगे। क्या कहते हो तुम? बल्कि तुम ऐसा करना, एक नूर की बातें बताना आके मुझे, और मैं अपने महबूब की मसाइल डिस्कस करूंगी तुमसे। बस करो। कैसे हो रमजी? कर्नल, आप कहाँ चले गए थे सर? अजीबोगरीब चीज देखने के बाद मैं कुछ दिन क्लिनिक में रहा। मुश्किल वक्त था, मगर अब मैं बेहतर हूँ। वाकई में जल्द सेहत याब हो जाएंगे। अब मैं बेहतर हूँ। अब मैं दीवा को खाली कुर्सियों में नहीं देखूंगा, क्योंकि मैं तंदुरुस्त हो गया हूँ। क्या हुआ रमजी, कोई बात है? तुम क्यों उदास हो? वो कर्नल, मेरी दीवा से मंगनी होने वाली थी, फिर एक आदमी आ गया और मैं मंगनी नहीं कर पाया। नहीं, अब मैं उसके बारे में नहीं सुन सकता। नहीं, बिल्कुल नहीं। टैक्सी, टैक्सी, टैक्सी। मैं हैरान हो गया हूँ, अंकल और आंटी एंजॉय कर रहे हैं। तो ये हयाती चरागन था।
तुम्हें तो पसंद नहीं आया था ये, हाँ? और तुम्हारी आंखों से खून निकलना शुरू हो गया था इसे देखकर। और तुम्हारी आवाज सुन के कानों से भी खून निकल आएगा। अच्छा, वैसे बहुत प्यारी लग रही हो तुम। यार तुम कितने अच्छे हो। कोई बात नहीं, यहाँ आओ। चलें फिर। चले। इंतहाई मुख्तसरन बात करूंगा आप लोगों से। जैसा कि आप जानते हैं कि हम यहां क्यों जमा हैं। मुझे अपनी छोटी दुल्हन ने बताया, जिंदगी मुख्तसर है और आप इश्क को मुलतवी नहीं कर सकते, और सबसे बुरा फैसला भी फैसला ना करने से बेहतर है। तो मैं दुआ करता हूं कि ये फैसला तुम दोनों को बहुत खुश रखे, और इस कैंची के साथ मुबारक हो, मुबारक हो। ये काम नहीं कर रही। हाँ करेगी करेगी करेगी। काट दिया। अरे मेरी बेटी, मैं आज बहुत खुश हूं कि मेरी बेटी की मंगनी हो गई। आमीन। मेरा दामाद। ओए मेरी बच्ची। तुम मेरे बहुत शानदार दामाद हो। बहुत खुशी है मुझे। बहुत बहुत मुबारक हो बाबा। मिस दीवा आपको मुबारक हो। आपको भी बहुत मुबारक हो। मुबारक हो। बहुत बहुत मुबारक हो। बहुत मुबारक हो। मुबारक हो जीजू। हाँ यही खड़ी रहो। Mm-hmm.
सुनो, याद रखना तुम दोनों ने वादा किया है शादी का। मेरी दुआ ये जोड़ी सलामत रहे। ऐसा लगता है तुम दोनों एक दूसरे के लिए बने हो। अरे ऐसे सब लोग क्यों बैठे हुए हैं? डांस करें? मुझे व्हील चेयर पे नहीं होना चाहिए था। आज का दिन एंजॉय तो करती, तुम लोग अभी तक उठे नहीं। दूल्हा और दुल्हन को तो देखो जरा, एंजॉय नहीं कर रहे, उठ जाओ डांस करने के लिए। नहीं, हम ऐसे ही ठीक हैं। हम ठीक तो हैं। तुमने कहा था अब हम एक दूसरे को दिखाई नहीं देंगे, चलो चलकर डांस करते हैं। क्या तुम सीरियस हो? मुझे नहीं लगता ऐसा। मैं बिल्कुल सीरियस हूं। उफ। चलो जल्दी करो, उठ जाओ। ठीक है। उठो डांस करो। ये हुई ना बात। ब्रावो ब्रावो। Tattığım günden beri sevgili, her bir anım senle doluyor. Gecem gündüzüm sen oldu, günler artık başka doğuyor. Bilmezdim önceden aşkın yerini, kalbe koymuş. Vah, to aag lagi hai jaise. Aag yahan bhi lagi hai. Başka ilacı. Sensizlik çok canımı acıtan, olmasın senden ayrı solsun ömrümün kalan yarınları. İster baharlar benim olsun, gülüşüne değişmem dünyaları. Tehsin, çalo na dans kareen. डांस तो बस मैं तुम्हारे ख्वाब में ही करूंगा। आई बिले दुर्सा शाहिदिम ओलसा हर बाक्तम यर्दे सिनी गरुरुम। लेकिन हो सकता है कि तुम मुझे आखिरी दफा देख रहे हो तहसीन। बात ना बढ़ाओ जन्नत, यानी कल तुम्हारी अम्मी जा रही हैं यही सोच लो कम से कम, और तुम अब तक यहीं पर ही हो। हम कहाँ जा रहे हैं तुम मुझे बताओगी? आफियन जाएंगे। और तुम? वो एक्चुअली मलिका ने खबरों का काम करना है ना, तुम मामा वगैरह के साथ चले जाना। हमने सोचा है कि हम यहीं रहेंगे। कैसे? अगर तुम अभी भी डांस के लिए ना उठे तो मैं कसम खा रही हूँ तुम्हें मार दूंगी। ये तुम क्या कह रही हो जन्नत? डांस। Beri sevgili, her bir anım senle doluyor. Gecem gündüzüm sen oldun, günler artık başka doğuyor. Bilmezdim önceden aşkın yerini, kalbe koymuş aşkı yaratan. Her acı sevdamın başka ilacı, sensizlik çok canımı acıtan. Olmasın senden ayrı solsun ömrümün kalan yarınları. İster baharlar benim olsun, gülüşüne değişmem dünyaları. Yollarım olsa sonları bulsa, kırpmam gözümü bir kez senle yürürüm. Ay bile dursa şahidim olsa, her baktığım yerde seni görürüm. Eller bunu bilmez,
gözle görülmez. Mevlam olsun sensiz yarınlarımız. Sevdam hiç bitmez, ömür bile yetmez. Gülüşüne değişmem dünyaları. Yollarım olsa sonları bulsa. लगता है कि तुम मुझे मार ही डालोगी. तुम्हें अच्छे से पता है. Ay bile dursa, şahidim olsa. फिक्र मत करो, हम जल्दी एक दूसरे से अलग हो जाएंगे. थोड़ा सब्र करो. सब्र ही कर रही हूँ. लोग कहते हैं ना, अच्छे दिनों की उम्मीद में मुश्किलात झेलनी पड़ती है. तुम और तुम्हारी बातें. मैं चाहता हूँ कि क्या चाहते हो? तुम्हें हमेशा के लिए पाना चाहता हूं मैं. खबरदार, सोचना भी मत. शिला की उस रात वाली गलती में दोहराना नहीं चाहती. मलिका, शिला में उस रात से क्या मतलब है? अम्मी, अम्मी मलिका अभी आपको शीला की उस रात के बारे में बताएगी. भाई, कौन सी रात? जो गुजरी थी शीला में मोहम्मद के साथ. तूफान, ये क्या कर रहे हो? जरा तमीज से रहो तुम. उसे सच बोलने दो, बोलने दो उसे, ताकि मुझे भी सच पता चले. हाँ नहीं अम्मी, वो ऐसी कोई बात नहीं है. वो मोहम्मद और मैं शिला गए थे, लेकिन चुप रहो. तुम तो वहाँ काम के लिए गई थी. हाँ मुझे ये बताओ, क्या तुम दोनों उस रात एक साथ थे? हाय मेरे खुदाया, ये सब क्या हो गया है? मेरी बात सुनो जरा, फौरन तुम दोनों की शादी होगी. आप इनकी फौरन से शादी करवाएं. मलिका, ठीक है मैं बात करता हूँ. देखिए जैसा आप सोच रही हैं वैसा हरगिज नहीं है. मुझे अपनी वजाहत का मौका तो दे. बस मलिका. नहीं बस, अब बहुत हुआ. क्या कर रही हो? हट जाओ बस, बस अब और कोई ड्रामा नहीं, ठीक है? अम्मी, मैं आपको सब कुछ बताती हूँ. अभी मैं अब और मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकती. अब और कोई झूठ नहीं, कोई खेल नहीं, और कोई शादी नहीं होगी अब. और ये मंगनी भी झूठी है. और ये सब कुछ एक ड्रामा था. ये अंगूठी भी झूठ है. अम्मी आप ठीक हैं? अम्मी, अम्मी